ओके सो हे गाइस, बस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो गाइस स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आप लोगों को प्रूफ दिखाना चाहूंगा गाइस, जो कि गाइस आज की इस वीडियो में आपको मैं जो ट्रिक सिखाने वाला हूं उसमें गाइस आप लोगों का जो है प्रॉफिट है कि नहीं वो मैं पहले ही आपको स्टार्टिंग में दिखा देता हूं एंड बाकी जो वीडियो को हम तब स्टार्ट करेंगे। तो गाइस आपको साइड में स्क्रीन दिख रही होगी गाइस, इसमें जो आपको फोटो दिख रही है इसका जो गाइस साइज है यानी कि ये फोटो की जो क्वालिटी है गाइस पहले मैं वो चेक करा देता हूं एंड जो गाइस इसको हम इरेज करेंगे और उसके बाद जो उसकी क्वालिटी होगी उसका साइज मैं आप सभी को दिखा देता हूं। तो गाइस देखिए, इसका जो साइज है आप देख सकते हैं साइड में आप सभी को दिख गया होगा, ठीक है। गाइस जूम करके मैंने दिखा दिया है तो गाइस आपको जो साइज दिख गया होगा, ठीक है। अब गाइस देखिए, जब इसका बैकग्राउंड मैंने इरेज किया तो गाइस इसकी जो क्वालिटी है वो गाइस कितनी हो गई। अब गाइस आप इसकी क्वालिटी देख सकते हो गाइस कि हमारी जो इसकी क्वालिटी कितनी हो गई, ठीक है। तो गाइस आज की इसी ट्रिक को मैं मतलब आपको सिखाने वाला हूं एंड गाइस आप इस मतलब आपने जो प्रूफ देखा गाइस इसको देखने के बाद तो आप समझ गए होंगे कि गाइस ये वाली जो वीडियो आप लोग के लिए कितनी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो गाइस इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगे तो यार प्लीज यार उसके लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि गाइस ऐसे जैसे ट्रिक जो है ना गाइस आप लोग के लिए ढूंढने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो, अभी से ही कर दो, क्योंकि गाइस मैं आपको बता रहा हूँ आप लोगों को जो है ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगी एंड बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेगी। तो गाइस अभी से वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि गाइस मैं आप सभी के लिए फोटोग्राफी एंड फोटो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी चले गाइस आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता है गाइस हम जब पिक्सार्ट ऐप में जब अपनी फोटो का बैकग्राउंड रिलीज करते हैं तो गाइस उसमें जो है काफी ज्यादा टाइम लगता है एंड उसमें जो है गाइस मतलब कि कुछ क्वालिटी जो थोड़ी सी लॉस भी हो जाती है। एंड गाइस इसी टाइप की कुछ वेबसाइट वगैरह भी है जहां पे गाइस आप फोटो को अपलोड करके डायरेक्ट आप वहां से जो है अपने मतलब फोटो का जो बैकग्राउंड है रिमूव कर सकते हो। बट गाइस उसमें क्या होता है कि आपकी जो फोटो की क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है एंड जो फोटो की क्वालिटी डाउन हो जाती है मतलब किसी मतलब की तो बचती नहीं है फिर फोटो, फिर उसमें क्या ही एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो बट गाइस आपको मैं आज का जो मतलब आज की जो ट्रिक बताने वाला हूँ गाइस उसमें गाइस आपकी फोटो जब सिर्फ एक क्लिक में मतलब की रेज हो जाएगी एंड जो गाइस रिजल्ट है वो मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाई चुका हूँ। बट गाइस आप लोग को करना कैसे गाइस वो मैं बता देता हूँ। एंड गाइस आज मैं जिस एप्लीकेशन का मैं यूज़ करूंगा गाइस वो जो है मतलब कि गाइस अडोबे की तरफ से, तो गाइस उसका जो लिंक है ना मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि गाइस अगर मैं उसका लिंक दूंगा तो अगर आप सभी को पता है यार चैनल पे मतलब प्रॉब्लम आ जाती है अडोबे की तरफ से तो मैं उसकी लिंक नहीं दे सकता। बट गाइस मैं आपको साइड में नाम दिखा रहा हूं, ठीक है। बस आपको क्या करना है, आपको जाना है सिंपली गूगल पे एंड वहां पे जाकर सर्च कर लेना, ठीक है, इसके बारे में। एंड वहां पे जब आप सर्च कर लोगे तो गाइस आपको इजीली वहां पे मतलब डाउनलोड कर लेना, एकदम फ्री एप्लीकेशन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी चलिए गाइस बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस सबसे पहले आपको ये करना है, जब गाइस आप इस ऐप को ओपन करोगे तो गाइस कुछ इस टाइप का आपको दिख जाएगा, जो भी लिखा है आपको इस टाइप का। एंड उसके बाद जो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको जो क्लिक करना है मतलब कि आपको लॉगिन कर लेना है, मतलब आपकी जो भी आईडी वगैरह है जो इसे भी आप बना तो बना लेना। तो यहाँ पे मैं इतना कुछ दिखाऊंगा नहीं कि आपको कैसे लॉगिन करना है, क्योंकि वीडियो जो लंबी हो जाएगी, तो मैं सीधा डायरेक्ट बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस जब आप लॉगिन कर लोगे तो गाइस आपको जो इंटरफेस है वो कुछ इस टाइप से दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके जब इंटरफेस दिखेगा तो आपको सिंपली चेक इट आउट पे क्लिक कर देना है एंड उसके बाद आपको सिंपली कंटिन्यू करना है, ठीक है, कंटिन्यू करते रहना है एंड उसके बाद जब लास्ट में गेट स्टार्ट अपने आप हो जाएगा तो फिर गाइस अंदर का जो प्रोजेक्ट है वो कुछ इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। एंड अगर आपको इसके बारे में अगर डिटेल में अगर आपको समझना है फिर इसको इसका लास्ट साल में यूज़ क्या है, अगर आप इस बारे में भी अगर जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता देना मेरे को, मैं इसके ऊपर जो आप लोग एकदम पूरी कंप्लीट वीडियो बना दूंगा तो आपको जो इजीली आपको समझ आएगा इसमें कि आपको क्या करना है इसमें, ठीक है। तो बाकी अभी जो हमारा मेन टॉपिक है गाइस वो करते हैं। तो अभी जो गाइस आपको साइड में जो गाइस ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है गाइस यहाँ पे आपको जो ये प्लस के ऊपर जो ये ब्लैक कलर का जो पॉइंट है आपको सिंपली क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो गाइस आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है। इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है, ठीक है। आप इस पर जैसे क्लिक करोगे तो गाइस आपके सामने जो यहाँ पे आपकी जो मतलब ये ऑप्शन जो यहाँ पे ऑन हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड जब ये ऑन हो जाएगा तो गाइस आपको यहाँ पे सिंपली गाइस जो ब्लू वाला दिख रहा है एड इमेज आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है एंड वहाँ से जो आपको अपनी गैलरी वगैरह जो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद आपको डायरेक्ट आपको जो है वहाँ पे पहुँचा देगा आपकी गैलरी में। तो मैं यहाँ से जल्दी से फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ से गाइस जो भी आपकी फोटो होगी गाइस आपको सिंपली उसको सिलेक्ट कर लेना है एंड उसको यहाँ पे सिंपली यहाँ से आपको टैप करके ऑन कर लेना है एंड जो गाइस इसमें थोड़ा सा ही टाइम लगेगा कि गाइस आपको जो यहाँ पे मतलब कि बैकग्राउंड रिलीज होने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि एक क्लिक में थोड़ा तो वेट कर ही सकते हैं। तो अब इसको रिलीज होने देते हैं एंड गाइस देख सकते हैं हमारी जो है फोटो का बैकग्राउंड एकदम कंप्लीट तरीके से एकदम अच्छे तरीके से मतलब कि एकदम इरेज किया, ठीक है, कहीं भी मतलब देखे गए एकदम परफेक्ट मतलब कि कोई दिक्कत ही नहीं है फोटो में, है ना। तो अब जो है इसको हमको क्या करना है, अब इसको यहाँ पे आपको कस्टमाइज और एंड सेव का ऑप्शन दिख रहा था, आपको सिंपली सेव पर क्लिक करना है जो आपकी फोटो है गैलरी में सेव हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पे हमने इस फोटो को सेव कर लिया। अब गाइस मैं इसको आपको दोबारा से आपको दिखा देता हूँ गाइस इसकी जो क्लियरिटी हमारी कितनी हुई है फोटो की। तो यहाँ से हम सिंपली गैलरी में चलते हैं तो यहाँ पे जो देखिए हमने फोटो यहाँ पे ऑन कर लिया। अब गाइस यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है एंड उसके बाद सिंपली आप मैं डिटेल में जाके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे आप, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखिए गाइस 448 केबी में हमारी जो फोटो है केबी में जो हमारी फोटो पे बन चुकी है। बट गाइस इसका जो रियल साइज था गाइस वो अगर उसके बारे में बात करें तो गाइस अगर उसकी तरह गाइस जो हमारी जो पहले वाली जो फोटो थी जिसका हमने बैकग्राउंड रिलीज किया अभी हम ओरिजिनल फोटो का भी हम यहाँ पे देख रहे हैं गाइस डिटेल में जाके,
तो गाइस आप डिटेल में देख सकते हो इसका जो हमारा साइज है इस फोटो का वो है गाइस की 157 KB में, ठीक है इसकी जो फोटो। सो गाइस जैसा कि आप सभी ने देखा गाइस हमने जो फोटो का बैकग्राउंड वो सिंपली एक क्लिक में हमने कितने अच्छे तरीके से रिलीज कर दिया। एंड गाइस हमारी फोटो की क्वालिटी दिखा उससे भी ज्यादा हमारी फोटोज में क्वालिटी भी हो गई, मतलब कि इरेज होने के बाद। जैसे गाइस अभी मतलब कि बाकी एप्लीकेशनों में क्या होता है कि गाइस आप फोटो के इरेज करते हो तो उसमें आपकी फोटो की क्वालिटी डाउन होती है, बट गाइस जिसमें जो फोटो की क्वालिटी बढ़ गई। तो गाइस अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइस अगर आपके किसी फ्रेंड को अगर ऐसी किसी एडिटिंग ऐप की जरूरत होगी तो गाइस उसको यार ये वीडियो जरूर शेयर करना। बाकी चले गए मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।